दोस्तों, नेशनल न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अभी हम इलाहाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं। आज इलाहाबाद से दिल्ली के आनंद विहार के बीच शुरू हुई नई हम सफ़र एक्सप्रेस का पहला दिन है। हम सफ़र एक्सप्रेस दुल्हन की तरह आज सजाई गई है और यह अपनी पहली यात्रा पर आज निकल रही है। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 5:40 पर इलाहाबाद जंक्शन से पहले दिन रवाना की जानी थी। इलाहाबाद जंक्शन से रात 10:40 पर छूटेगी। आनंद विहार से वापसी में भी 10:40 चलेगी। इलाहाबाद से शुरू होने वाली ट्रेनों में यह पहली गाड़ी है जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आप इस स्टेशन पर देख रहे हैं, यात्रियों ने इसको लेकर उत्साह है। जो यात्री जा रहे हैं उनके परिजनों ने इसको सेल्फी पॉइंट के तौर पर लिया। सभी कैमरे से खींच रहे हैं। गाड़ी के पहले दिन ट्रेन लेकर जाने वाले स्टाफ के परिजन भी प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हुए हैं। उनके परिजनों ने भी ट्रेन का वेलकम किया। इस ट्रेन में 18 कोच लगाए गए हैं। सभी AC 3 श्रेणी के कोच हैं। इसमें AC 1, AC 2, स्लीपर और जनरल के एक भी डिब्बे नहीं हैं। LHB कोचेज से युक्त यह गाड़ी काफ़ी सुविधाओं के मामले में अत्याधुनिक है। डिब्बों के अंदर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। GPS पर यह आधारित है, LED है। सभी बर्थ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, लाइट दिए गए हैं, स्मोक सेंसर प्रणाली भी है दी गई है। इवन जो प्रॉब्लम आती है जब लेडीज वगैरह टॉयलेट में जाती हैं, बोर्ड में बच्चा है तो उनको कैसे वो रख के जाएँ, किसको सहेज के जाएँ, उनके लिए एक सीट बनाई गई है, बेल्ट लगा है तो बच्चे को सीट पर बैठा सकती हैं। उसके बाद जो है अपना टॉयलेट वगैरह यूज़ कर सकती हैं। एक सुविधा ये है। बाकी पूरी ट्रेन में 18 डिब्बे हैं, 18 3 AC हैं और बहुत कंफर्टेबल है। सारी फिटिंग्स वगैरह बहुत टॉप क्लास की हैं। बहुत अच्छी तरीके सारी सुविधाओं से आज उस ट्रेन को लेकर के जा रहे हैं। इलाहाबादी हम सफ़र को इलाहाबाद से आनंद नगर के बीच लेकर जा रहे हैं जी। इस ट्रेन में कितने कोचेज हैं? 3 कोचेज हैं इसमें। आज ट्रेन पहले दिन अपने सफ़र पर जा रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व फील कर रहे हैं फर्स्ट डे जाने में। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपके साथी को पायलट कौन से हैं? आप हैं जी। हम कैसा लग रहा है आपको पहले दिन? अच्छा लग रहा है। सफर के सफर पर जाने पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इलाहाबादी हम सफ़र की शुरुआत आज 9 मई से होने जा रही है। 18 कोचों की इस ट्रेन के सभी कोचेज AC 3 के हैं। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेन है जिसमें कोच के अंदर सभी बर्थ पर चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, सब पर लाइट दी गई है, फायर स्मोक सिस्टम है जिससे किसी भी किस्म की घटना। ये इसकी बेसिन है, कूड़ेदान है, फायर सिस्टम है। ट्रेन की पहली बार लेकर इलाहाबाद से आनंद विहार के लिए जा रहे हैं। स्टाफ को देखिए और यात्रियों को देखिए, सभी में कितना उत्साह है। यह गाड़ी आज अपनी पहली यात्रा पर चल रही है, इलाहाबाद से आनंद विहार, आनंद विहार से इलाहाबाद के बीच। यह सप्ताह के 3 दिनों चलेगी। यह 3 वही दिन है जिन दिनों में इलाहाबाद से दिल्ली के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस नहीं चलती। इस ट्रेन के चलने से इलाहाबाद से आनंद विहार की ओर जाने वाले यात्रियों को, दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को, कारोबारियों को, नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। प्रयागराज इकलौती ट्रेन होने से पहले काफ़ी दिक्कत होती थी। दुरंतो 3 दिन थी, इसलिए 4 दिन प्रयागराज पर काफ़ी भीड़ होती थी, बड़ी संख्या में यात्री होते थे। इस ट्रेन के चलने से प्रयागराज की भीड़ कम होगी। नई ट्रेन होने से यात्री आह्लादित हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है, प्लेटफॉर्म पर भी इसका असर दिख रहा है। जंक्शन पर महाप्रबंधक